नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 360। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। जिस शख्स के कारोबार का सालाना टर्नओवर था 20,000 करोड़ से पार, वो शख्स भाइयों के झगड़े में बेमौत मारा गया। आखिर पोंटी और हरदीप के बीच खूनी खेल की नौबत क्यों आई? फार्म हाउस के क्राइम सीन का सच आखिर क्या है? किसने कितनी गोली चलाई और कौन किसकी गोली का हुआ शिकार? कई तरह के सवाल हैं जिनका जवाब ढूंढने में अब भी उलझी हुई है दिल्ली पुलिस। कारोबारी पोंटी चड्ढा और उसके भाई हरदीप के बीच खूनी संग्राम आज की तारीख में दिल्ली पुलिस के लिए सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री है। रिश्तों की दरार जब खूनी अंजाम तक पहुंची तो दिल्ली ही नहीं पूरा देश हिल गया। दिल्ली के अलावा पंजाब और उत्तराखंड की पुलिस भी पोंटी और उसके भाई के बीच खूनी संग्राम की पहली सुलझाने में जुटी है, लेकिन अभी तक वो तार नहीं मिले हैं जो पूरी वारदात को एक कड़ी में पिरो सके। हाँ, उम्मीद है कि पुलिस वालों के बीच तेज कदमों से मेहरौली थाने में दाखिल होता ये शख्स, जिसका नाम सचिन त्यागी है, जो पोंटी चड्ढा के दोस्त और उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन सुखदेव सिंह नामधारी की हिफाजत के लिए सरकार की तरफ से तैनात था। वो सचिन त्यागी जब मुंह खोलेगा तो पूरा घटनाक्रम सिलसिलेवार तरीके से पुलिस के सामने खुलता चला जाएगा। पोंटी चड्ढा के करीबी सुखदेव सिंह नामधारी द्वारा लिखाए गए FIR नंबर 496 में जिक्र है कि सचिन त्यागी ने उस वक्त अपनी सरकारी बंदूक से फायरिंग की जब पोंटी के भाई हरदीप ने सुखदेव पर फायरिंग की थी। सचिन त्यागी मर्डर मिस्ट्री खोलने में अहम साबित हो सकता है, लेकिन पुलिस दूसरे तरीके से भी सुराग ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। कारोबारी पोंटी चड्ढा की मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए फोरेंसिक टीम फार्म हाउस नंबर 42 पर पहुंची। फोरेंसिक टीम ने लैंड क्रूजर कार और पूरे फार्म हाउस की पड़ताल की तो पोंटी चड्ढा के मैनेजर नरेंद्र अहलावत की गाड़ी की भी जांच की। खबर ये भी है कि पुलिस पोंटी और उसके भाई में हुई मुठभेड़ की मॉक ड्रिल भी कर सकती है। रिश्तों की दरार से दो भाइयों के बीच हुए सबसे खौफनाक खूनी संग्राम का सच जानने के लिए अब तक 42 लोगों से पूछताछ हो चुकी है जो सीन ऑफ क्राइम पर किसी न किसी वजह से मौजूद थे, लेकिन पूरी पहेली खुलकर जल्द सामने आ जाएगी, इसकी उम्मीद मत कीजिए, क्योंकि मामले में हर रोज नए सवाल उठ रहे हैं। पोंटी का भाई हरदीप अपनी गन लेकर फार्म हाउस क्यों गया था? सुखदेव सिंह नामधारी पोंटी के साथ फार्म हाउस पर क्यों पहुंचे थे? जिन 20 लोगों ने फार्म हाउस पर ताला लगाने की कोशिश की, क्या उसमें सुखदेव के भी आदमी थे? सुखदेव की रक्षा में अगर उनके गार्ड सचिन ने फायरिंग की तो सुखदेव क्यों गोली के निशाने पर नहीं आए? नितिन जैन के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, दिल्ली आज तक। अगली खबर, दिल्ली में आज लगी लापरवाही की आग। राजधानी के कस्तूरबा गांधी मार्ग पर स्थित बहुमंजिली इमारत हिमालय हाउस में आज सुबह आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि इसे बुझाने में करीब 6 घंटे लग गए। इस आग में इमारत को भारी नुकसान पहुंचा, एक शख्स की मौत भी हो गई। धधकती हुई लपटों में घिर गई बहुमंजिला इमारत। हिमालय हाउस की 30 मंजिल पर लगी आग। आग 7वीं मंजिल पर फंसे शख्स की मौत। देखते ही देखते दिल्ली के कस्तूरबा गांधी मार्ग पर बना हिमालय हाउस आग की लपटों में घिर गया। इमारत की तीसरी मंजिल पर लगी आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। तीसरी मंजिल पर लगी आग ने पहले चौथी मंजिल को अपनी चपेट में लिया। जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक आग पांचवी और छठी मंजिल तक जा पहुंची थी। आग पर काबू पाने की फायर ब्रिगेड की सारी कोशिशें बेकार साबित हो रही हैं। छठे फ्लोर पर अब आग दोबारा से लग गई। आप देख सकते हैं कि छठे फ्लोर पर कितनी भयानक आग दोबारा से लगी है और उसके आसपास की पूरी छठी मंजिल पर अगर आप देखें तो अब आग तेजी से भड़क रही है। तीसरी, उसके बाद चौथी मंजिल, चौथी पर जब आग बुझाई गई, पांचवी मंजिल और अब पांचवी के बाद छठी मंजिल पर आग लग गई है और आग ऊपर तेजी से, ऊपर की तरफ तेजी से फैल रही है। हादसा दिल्ली के VIP इलाके में हुआ था, लिहाजा खबर मिलते ही दमकल की करीब 2 दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंच गई, लेकिन आग धीरे धीरे हिमालय हाउस की 7वीं और 8वीं मंजिल को भी अपनी चपेट में ले लिया। जब तक आग पर काबू पाया गया तब
तब तक साथ ही मंदिर पर फंसे एक शख्स की मौत हो गई। हिमालय भवन की बिल्डिंग में मरम्मत का काम चल रहा था, यही वजह थी कि इसके कई फ्लोर्स पर लकड़ी का सामान पड़ा हुआ था। हालांकि आग की शुरुआत शॉर्ट सर्किट से हुई, लेकिन लकड़ी का सामान पड़े होने की वजह से ये आग काफी फैल गई और यही वजह थी कि फायर अधिकारियों को आग पर काबू पाने में 6 घंटों की मशक्कत करनी पड़ी। इस बीच जी तोड़ कोशिश होती रही आग बुझाने की। आखिर 6 घंटे बाद दमकल विभाग ने आग पर काबू पा लिया और आग में फंसे 2 लोगों की जान भी बचा ली। देखिए, ऐसी फायर जो है जहां रेनोवेशन वर्क चल रहा है, फायर सेफ्टी सिस्टम काम नहीं कर रहे हैं, तो उसमें टाइम तो लगेगा ही, क्योंकि फायर के सारे भी जो भी पाइप होस पाइप पानी ले जाने का काम नीचे से ही हो रहा था, और या एरियल लैडर जो बाहर से एक्सटर्नल फायर फाइटिंग है यूजिंग हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म उनको द्वारा किया जा रहा था, तो इसमें टाइम लगने वाला बात थी, क्योंकि अंदर अगर सिस्टम काम कर रहे हो तो हमें ये होस पाइप वगैरह नहीं लगानी पड़ती। आपने देखा होगा कि ये पास की बिल्डिंगें हैं, उनसे भी हमें पानी लेना पड़ा। आग में जान और माल दोनों का नुकसान हुआ, लेकिन हिमालय हाउस में आग लगने से ये सवाल फिर खड़ा हो गया कि क्या दिल्ली की बहुमंजिला इमारतें सुरक्षित हैं? चिराग गोठी के साथ अनुराग ढांडा, दिल्ली आज तक। अब रुख अगली खबर का। बांध के विस्थापन का दर्द अभी भूल भी नहीं पाए थे कि फिर से उजड़ने का खतरा शुरू हो गया। मध्य प्रदेश के कटनी की खबर है, जहां कटनी जिले में किसान इन दिनों इसी समस्या से दो चार है। यहां पाप प्लांट के लिए जमीन का अधिग्रहण किया जाना है और इसके विरोध में करीब 50 किसान अपनी ही चिताओं पर बैठे हैं। जीते जी चिता में बैठे ये किसान अपनी जमीन बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये तस्वीर है मध्य प्रदेश के कटनी जिले की। केरोसिन की बोतल लेकर करीब साल भर से किसान इसी तरह चिताओं पर बैठे हैं। ये हमारी जो ये जमीन है बहुत बहुत उपजाऊ है, और जो ये सरकारी जमीन है वो हमारे मवेशियों के लिए है, इसलिए अगर ये जमीन हम दे देंगे तो हमारे ढोर मर जाएंगे, हम भी इससे प्रतिपाल करते हैं तो लड़के बच्चे हमारे कहाँ जाएंगे। गौरतलब है कि कटनी जिले में ग्राम बुजबुजा और डोकरिया में वेलस्पन एनर्जी मध्य प्रदेश लिमिटेड द्वारा पावर प्लांट लगाया जाना है। इसके लिए 500 एकड़ जमीन का अधिग्रहण होना बाकी है। इलाके के करीब 50 किसान इसी अधिग्रहण के खिलाफ है। खास बात यह है कि ये किसान पहले से ही बाढ़ सागर के विस्थापन का दर्द झेल रहे हैं। आरोप है कि जबरन अधिग्रहण की कोशिश के विरोध में एक किसान खुदकुशी तक कर चुका है। मामला तूल पकड़ने पर पिछले दिनों प्रदेश के कृषि मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री रामकृष्ण कुसमारिया हालात का जायजा लेने पहुंचे थे। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने बहुत कम संख्या में थे, जिन्होंने ये कहा कि हम अपनी जमीन देना नहीं चाहेंगे और जबरदस्ती हमारी जमीन को अधिग्रहण कर रहे थे, तो उनको हमने ये कहा है कि आप अपना प्रतिवेदन जो भी आपकी डिमांड है वो आप हमें दें, हम मुख्यमंत्री से चर्चा करके उसके ऊपर पुनर्विचार करेंगे कि क्या किया जा सकता है। विकास बनाम विस्थापना, लड़ाई पुरानी है, लेकिन अफसोस ये कि सरकार अब तक इसका उचित हल नहीं ढूंढ पाई है। अमर ताम्रकार, कटनी आज तक। अगली खबर, बाला साहब ठाकरे के निधन के बाद मुंबई पर छाए मातम के बादल झटने का नाम नहीं ले रहे। आज उद्धव जब अपने पिता की अस्थियां लेने पहुंचे तो शिवाजी पार्क का माहौल एक बार फिर गमगीन हो उठा। हालांकि पार्टी के आह्वान के बाद मुंबई पटरी पर लौटने लगी है। जिन हड्डियों ने कभी बेटे को जिंदगी में संभलना सिखाया था, लड़खड़ाहटों से लड़ना सिखाया था हवाओं के रुख के खिलाफ बहना, वो हड्डियाँ आज बेटे की हथेलियों पर सिमट आई थी। आंखों में उमड़ आई जलधार। कहते हैं आंसुओं की कोई भाषा नहीं होती, उसके संवाद का संसार अनकहा होता है, अनछुआ होता है, अनदेखा होता है। अतीत की डोर बार बार खींच ले जाती है पीछे छूट गए जीवन की तरफ, और दुनियादारी कहती है आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। सिर्फ एक दिन पहले यहाँ लाखों लोगों का सैलाब था, जय जयकार थी, शोक था, शोक का उद्घोष था, लेकिन अब यहाँ सन्नाटा है, भूमि वही है, भाव बदल गया है, आगे बढ़ गया है संसार। उद्धव इस सच को स्वीकार करने की कोशिश में सिसक उठे। ये दो तस्वीरें नहीं है, जीवन सागर का साक्षात्कार है।
जज्बात का ज्वार उसका स्थायी भाव नहीं होता, समय के आवेग के साथ वो उतर जाता है। इसके बाद जो बचता है वही सच है, उतना ही सच है। समय के सितार के टूटे हुए तार से तान नहीं निकलती, फिर भी मनुष्य इस मिथ्या जीवन से मोह पालता है। उद्धव भी अपवाद नहीं। बाल ठाकरे के नाम का सिक्का उद्धव की हथेलियों में सिमट आया था। शिवाजी मैदान में उद्धव इस सत्य को लगातार अपने भीतर भरने की कोशिश कर रहे थे कि उस राह से कोई नहीं लौटा आज तक, और इस कोशिश में वो टूटते जाते, बिखरते जाते। आंखों में उमड़ा हुआ भादो बहुत कुछ कह देता है कि बस यादों के अल्बम में सिमट कर रह गया है सेनापति, कि हमेशा खुली रहने वाली सलाह की देहरी अब सूनी हो गई है, कि उलझनों की गिरहें खोल देने वाला गुरु चला गया है और बाकी रह गई है उसकी गुरु दक्षिणा। उद्धव ठाकरे ने धीरे धीरे खुद को समेट लिया। ये व्यवस्था भी है और विधि का विधान भी। पौरुष पुत्र को आवाज दे रहा है, इंतजार में है पिता की बनाई हुई पगडंडियां, जीवन रण में पढ़ो जवान। साहिल जोशी के साथ कमलेश सोतार, मुंबई, आज तक। बाला साहब जिंदगी भर दिल की बात बड़ी बेबाकी से कहते रहे। उनके निधन के बाद मुंबई में दो लड़कियों को अपने दिल की बात कहने की सजा मिली है। मुंबई में हुए बंद पर फेसबुक पर अपने विचार क्या लिखे कि पुलिस ने लड़कियों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल दोनों लड़कियों को अदालत से बेल मिल गई है। फेसबुक पर विचार प्रकट करने का नतीजा ऐसा भी हो सकता है, ये कोई सोच नहीं सकता। ये तो साइड इफेक्ट है, असली असर तो 21 साल की शाहीन धारा को झेलना पड़ा। फेसबुक पर बाला साहब से जुड़े विचार क्या डाले, उसे गिरफ्तारी झेलनी पड़ी। हद तो ये हुई कि शाहीन के साथ उसकी एक दोस्त को भी गिरफ्तार किया गया, क्योंकि उसने फेसबुक पर शाहीन के मैसेज को पसंद किया था। बताया जा रहा है कि फेसबुक पर लिखे विचार से शिव सैनिक इस कदर खफा हुए कि उन लोगों ने शाहीन के चाचा के क्लिनिक में भी जमकर तोड़फोड़ की। दरअसल शाहीन ने बाला साहब के निधन के बाद मुंबई में बंद पर सवाल उठाए थे। फेसबुक पर मैसेज आने के बाद मुंबई पुलिस ने शाहीन और उसकी दोस्त को धार्मिक भावना भड़काने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। उनके खिलाफ आईटी एक्ट 2000 के तहत भी केस दर्ज किया गया है। हालांकि पुलिस ने आज शाहीन के खिलाफ धार्मिक भावना भड़काने का केस हटा दिया और शांति भंग करने का आरोप लगाया है। सेक्शन हमने 505 और 2 ऐसा एक सेक्शन लगाया जो विधान थोड़ी डिस्प्यूटेड विधान देना, ऐसा एक सेक्शन उनके खिलाफ हमने लगाया था। अभी उनको सेक्शन में उनका अरेस्ट करके अभी कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने उनको बेल मंजूर किया। हमारा ये आर्गुमेंट था कि जो सेक्शन लगाए हैं वो लगते नहीं है। कल 295A लगाया था, आज जो 505(2) लगाया है, बेसिकली ये दोनों ही सेक्शन रिलीजियस फीलिंग्स को हर्ट करने वाले हैं। और वो जो अपलोड हुआ है फेसबुक पे, उसमें कोई भी रिलीजियस फीलिंग्स हर्ट नहीं हुई है। शाहीन ने फेसबुक पर से मैसेज हटा लिया है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या किसी को अपने दोस्तों के बीच विचार रखने का भी हक नहीं। बाला साहब ठाकरे के गुजर जाने के बाद पालघर का ये मामला अकेला नहीं है। वसई मानिकपुर इलाके में भी ऐसा ही मामला सामने आया, लेकिन उसमें शिव सैनिकों ने मामला दर्ज नहीं कराया। उन्होंने परिवार को धमकी दी, परिवार ने कमेंट वापस ले लिया और माफी भी मांगी। मुंबई से विद्या के साथ आज तक ब्यूरो। लोक आस्था का पर्व छठ देश के विभिन्न हिस्सों में परंपरागत हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज डूबते सूरज को अर्घ्य दिया गया। दिल्ली में हर साल की तरह आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के घर छठ पूजा हो रही है। इसलिए हम आपको तीन जगहों को दिखा रहे हैं। राजधानी दिल्ली में भी उसी तरह की धूम है और पटना में पारंपरिक तरीके से अर्घ्य दिया जा रहा है। कल सुबह उगते सूरज को अर्घ्य देने के साथ ही इस महापर्व का समापन हुआ। Thank you.